गरिमा जी कैसी हैं आप? सूरज जी, आई रिमेम्बर व्हाट यू डिड टू मी लास्ट टाइम। ये बदला पार्ट टू अहमदाबाद का जिक्र हो रहा है। अगर अहमदाबाद वाला आपने वीडियो ना देखा हो तो ललन टॉप स्पोर्ट्स पे जाके जरूर देखिएगा। और आज हम खड़े हैं धर्मशाला में, कितना सुंदर स्टेडियम है ना ये, बहुत सुंदर। मतलब यार देखो, मतलब बाहर ही खड़े हम लोग, अंदर नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ से इतनी प्यारी लाइट्स, ऐसे अलग ही मतलब गरबा नाइट्स काइंड ऑफ वाइब आ रही है मुझे। इतनी लाइट्स, इतनी प्यारी लाइट्स, ऊपर देखो जिस तरीके से इसको बना रखा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना बढ़िया स्टेडियम है, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्राउड जो अंदर है ना भाई, इतनी लाउड है, जो अहमदाबाद में चीज़ हमने मिस की थी ना, वो यहाँ एकदम नहीं। हाँ, यहाँ तो मतलब हम बाहर घूम रहे हैं, अभी मैच चल रहा है, विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, उस टाइम भी विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, नहीं उस टाइम नहीं कर रहे थे, शायद इस वजह से क्राउड का शोर नहीं आ रहा था। हाँ, क्योंकि रन तो बन रहे थे और पाकिस्तान से जीत रहे थे यार, लेकिन वो वैसा मैच नहीं होता ना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा मैच है और न्यूजीलैंड कभी भी वही गेम में आ सकती है। इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कमाल किया है और वही चीज़ शायद कैरी फॉरवर्ड करने की उम्मीद कर रही है। यहाँ का माहौल है सेट, मतलब पाकिस्तान का तो शुरू में डिम हो गया था कि यार क्या 191 रन तुमने बनाया है, यूँ चेज कर लेंगे, यूँ चेज कर लेंगे। थोड़ा इधर की तरफ चलते हैं पंकज जी, थोड़ा वॉक थ्रू टाइप का हो जाएगा कुछ मामला। अब बढ़िया एकदम, क्या कमाल किया खेली है इंडिया, जिस तरीके से पहले बॉलिंग की लगातार हम चेज करते आ रहे हैं, पता कहीं ऐसा ना हो कि सेमी में या फाइनल में हमको पहले बैटिंग करनी पड़े और फिर वहाँ दिक्कत। मतलब वो इंटेंट क्लियर है तो आपको पता है कि मतलब अब ऐसा लगता है कि अगर आपको इन केस बैटिंग करनी भी पड़ी पहले तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। रोहित शर्मा बोलो कुछ तो कर कुछ और रहे, और जो भी कर रहे हैं हम सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत क्लियर रोल है। रोहित शर्मा आते हैं, मारते हैं, दूसरे एंड से हमने देखा था कोटला में ईशान किशन देख रहे थे और यहाँ पे कौन देखने लगा, शुभमन गिल, लेकिन फिर चार्ज लिया। श्रेयस अय्यर का काम मतलब डिफाइन है कि आओ अटैक करो, और फिर जिस तरीके से वो आउट हो जाते हैं शॉर्ट बॉल्स पे, और कई बार पिछले मैच में भी जब आई गेस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वाला मैच था तो उस पर आपको थोड़ा थोड़ा दुख होता है कि यार ये कैसे शॉट्स मार के आउट हो रहे, लेकिन ठीक है। फिर विराट कोहली है आपके लिए एंड पे और राहुल मैचेस फिनिश कर रहे हैं। हाँ, टीम अच्छा कर रही है आज, फैंस बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देखने की, जिस तरीके से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं टर्न अराउंड होगा, फिर वो क्राउड चिल्लाएगा, वो क्राउड सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि इंडिया में मैच हो रहा है। और अक्सर जब सोशल मीडिया हम देखते हैं ना तो लोग कहते हैं वाइब कहाँ है भाई, मज़े नहीं आ रहे मैच में, कोई देखने नहीं आ रहा, तो ये चीज़ यहाँ पे सही। लेकिन ये मुझे पता है अभी भी लगता है कि ठीक है, स्टेडियम्स पूरे भर रहे हैं, इंडिया के मैचेस में गजब का माहौल है, वाइब है एकदम, लोग बाउंड्री पे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, विकेट्स पे उठ रहे हैं। आपने वो देखी होगी बुमराह की वीडियो, बड़ी वायरल हुई थी रिजवान वाली, क्या सिंक हुए थे, है ना, मज़ा, मतलब बहुत प्यारी वीडियो थी, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो एक वो होता है ना कि एक अलग सा माहौल बन जाता है पूरे इंडिया में, वो मुझे अभी भी मिसिंग लगता है कि मतलब वो नहीं बना है। और इसके पीछे का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हर साल अब ICC टूर्नामेंट्स होते हैं, नवंबर अक्टूबर नवंबर में T20 खेला था, अब अगले अक्टूबर नवंबर में ये आ गया ODI वर्ल्ड कप, अगले साल क्या पूरा एक साल 24 महीने भी नहीं है कि आपका फिर से T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा। यूज़ टू अगेन, लगातार इतना ज़्यादा क्रिकेट, इतना ज़्यादा ICC इवेंट हो रहा है, जैसे इस वीडियो में इतना ज़्यादा आप बोलती हैं जब भी हम ये वीडियो शूट करते हैं, मैं बस हाँ ना करते रह जाता। सूरज जी आप बोल देंगे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी चल रहा है अहमदाबाद की जो वॉर थी वो अभी ख़त्म नहीं हुई, ये एक और अटेम्प्ट करेंगी गरिमा जी। माई नेम इज एंथनी गोंजालेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरा नाम सूरज है। अच्छा। और गरिमा जी तो आप निकले नहीं है ना अभी? नहीं, मैं सुबह निकला था, बहुत बढ़िया से निकला था, खूब अच्छी धूप थी, मतलब मज़े आए थे, लोगों ने वीडियो पे कमेंट भी किया कि भाई थोड़ी धूप कम करो, खेलना है। कमबैक्स, नो कमबैक्स, लेकिन इंडिया भाई आप चाहते तो वो तो काम आसान हो गया था ना, रोहित शर्मा ने टॉस जीत लिया था, पहले बॉलिंग चुन ली थी, फिर क्या। हाँ, तो टीम इंडिया को अभी तक कमबैक की जरूरत नहीं पड़ी है, गरिमा को है, गरिमा अपने कमबैक की तलाश में है, लेकिन टीम इंडिया जो है ना वो लगातार अच्छा खेल रही है, लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अच्छा खेल रही है, और अभी तक लगातार 5वीं जीत, टेबल के टॉप पर, नेट रन रेट का जो रोना रोया गया था विराट की सेंचुरी को लेके बड़े बड़े लोग, वो ख़त्म भाई। अब आपने 5 मैच जीते, आप इकलौती टीम हो जो 5 मैच जीती इस वर्ल्ड कप में, तो रन रेट का रोना ख़त्म हो गया, विराट ने सेंचुरी बनाई, जैसे बनाई उसके बाद जो तमाम सारे रिएक्शंस आए, बहुत सारे लोग अगेंस्ट एथिक्स और पता नहीं क्या क्या बातें, वो आज ख़त्म हो गया भाई। रोहित की टीम है ये, रोहित की टीम जिसमें विराट खेलता है, और इसने मिल के जो है लगातार 5 मैच जीत लिया, 10 पॉइंट हो गए, मतलब सेमी तो पक्का हो गया अब भाई।
तो अब जो दो मैच बच रहे हैं, दो जो बड़े मैच हैं, इंग्लैंड को भी बड़ा मान लेते हैं, दे देते हैं इतना बेनिफिट ऑफ डाउट बात कर रहे हैं आप, इंग्लैंड को बड़ा मैच कह रहे हैं। जो हाल चल रहा है ना इस टाइम ये चैंपियंस का, ना देख के ऐसा लग रहा है कि वही इंग्लैंड टीम आई है, है? और ऐसा भी नहीं है कि इनके प्लेयर्स को इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के बैटर्स की बात करें तो आप समझोगे भी, लेकिन उनके साथ भी फ्री हो जाता है कि भाई एशियन कंडीशन से जानते हैं। लियम लिविंगस्टन, हैरी ब्रूक, जो रूट, ब्रूक बड़ा सही लगता है। ब्रूक को जब लगातार कहा गया कि फ्लैट ट्रैक बोली है पाकिस्तान को मारता आईपीएल के टाइम पे, तो उसने एक सेंचुरी मारी, बोला अब तो भाई इंडियन क्राउड को चुप करा दिया। भाई कब, अब फिर से बोल रहे हैं लोग कब चुप कराएगा। अब वो तो भाई उसका जवाब तो वही दे पाएंगे, आप मेरी तरफ के माइक घुमा रहे हैं। नहीं, मैं बस आपका ओपिनियन जानना चाह रहा था कि क्या मतलब क्राउड से इस तरीके का इंटरेक्शन पोस्ट मैच आपको करना चाहिए या नहीं इस पे? आपको आना पड़ा ना मेरे से बात करने के लिए। खैर एनीवेज भाई, क्यों नहीं करना चाहिए, मज़ा आता है भाई। फिर आपने बोला, फिर हमने बोला, तो ये तो मज़ेदार है ना। मतलब करना चाहिए भाई, जो आपको बोल रहे हो उसको चुप तो कराना चाहिए। विराट को पहले क्यों पसंद किया था, ऑन द फेस भाई चुप करा दिया। विराट कंपेयर नहीं कर रही, मैं जस्ट एक बात कह रही हूँ। वीडियो जो है ये यहीं पे खत्म करेंगे। मैं सूरज और आप गरिमा, आप सूरज ही हैं पक्का जी? हाँ। थैंक यू गाइस, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।